दुनिया भारत के साथ खड़ी है, सिर्फ चीन अड़ा रहा है अड़ंगा। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बात इसी साल अप्रैल की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान किया था कि भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। अगर आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल के बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आपको पता ही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी थी। अब इसके 193 मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर बॉडी का नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC। 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, जिन्हें P5B कहा जाता है। कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए इन पांचों देश की सहमति होनी जरूरी है। अगर किसी एक देश ने भी वीटो कर दिया तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। भारत का जोर है कि ये 5 देश 7 दशक पहले स्थायी सदस्य बने थे। बदलती दुनिया में अब अन्य देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान के दोस्त के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने रविवार को कहा था कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की के लिए गर्व होगा। दुनिया 5 से भी बड़ी है, हम सुरक्षा परिषद में सिर्फ इन 5 को नहीं रखना चाहते हैं।